नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश कुमार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज का जो वीडियो है क्या होने वाला है। मैं आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूं कि अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में मैं बात करूंगा और अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। और आप लोगों को दो महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा कि बाई चांस इन फ्यूचर में अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप इसे कैसे फेस करेंगे और किस तरीके से इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। सो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग 5-7 मिनट खर्च करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से मेरे साथ ये हुआ और मैंने किस तरीके से इसको फेस किया। सो मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख की बात है, मैं 17,000 रुपये डिपॉजिट कर रहा था अपने पापा के अकाउंट में और डिपॉजिट मशीन से। सो हुआ ये कि पैसे तो मैंने डिपॉजिट कर दिए उसमें, लेकिन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने से पहले मशीन जो थी वो आउट ऑफ सर्विस हो गई और पैसे थे वो अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो पाए, मशीन में ही फंसे हुए रह गए। उसके बाद में हुआ ये कि गार्ड ने कहा कि अगर आपकी स्लिप निकलती है इसमें से तो घबराने वाली कोई बात नहीं, अगर स्लिप नहीं निकलती है तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आप 2-4 मिनट वेट करके देख लीजिए। तो मैं 2-4 मिनट वहाँ पर रुका, हालांकि स्लिप तो निकल आई और स्लिप में होता क्या है आप लोग स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं कि स्लिप में आपका जो भी नोटों का विवरण होता है वो लिखा हुआ होता है कि आपने कितने कैसे नोट जमा किए, तो उससे आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ मैंने बैंक में जो है इस मशीन से ये ट्रांजेक्शन नंबर होता है तो इससे जो है जमा किए थे और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो उसने कहा कि आप मुझे बताया गार्ड ने कि आप इसको रख के पर्ची को इसकी फोटोकॉपी कराने के बाद एक एप्लीकेशन दीजिएगा कैशियर और ब्रांच मैनेजर को, जिससे कि आपको ये प्रूफ है वो पता चल जाएगा कि आपने पैसे जमा किए थे, आपके ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ। और जब भी मशीन का जो काउंटिंग होती है पैसों की तो उसके बाद में ये रुपए ज़्यादा निकलते हैं, उसमें ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होने वाले, तो उसकी काउंटिंग होने के बाद में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। सो उसमें प्रोसेस ये था कि मैंने जिस दिन पैसे जमा किए उसके नेक्स्ट डे पड़ रहा था सेकेंड सैटरडे और फिर उसके बाद में पड़ रहा था संडे, तो 2 दिन की तो ये छुट्टी हो गई थी और उसके बाद में नेक्स्ट डे थी बकरीद, ये रक्षाबंधन से पहले की बात है। तो ये 3 दिन तो डिले हो गया और 4थे दिन पापा गए और पापा ने जो है वो स्लिप सबमिट की फोटोकॉपी और उसके बाद में एक एप्लीकेशन भी दिया। लेकिन सरकारी बैंक का होता क्या है कि SBI की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें होता ये है कि काफ़ी डिले हो जाता है काम और 7-8 दिन वहाँ पे निकल गए, कोई प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आप एप्लीकेशन और वो दे दीजिए। इसके बाद में हम लोग वेट करते रहे कि अभी आ जाएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे, तो काफ़ी टाइम हो गया, 10 दिन निकल गए, उसमें पैसे अकाउंट में नहीं आए। उसके बाद में मैं गया एक बार फिर बैंक में, तो उन्होंने कहा कि इसमें टाइम लगता है, प्रोसेस होता है, मशीन में जो रुपए होते हैं उसकी काउंटिंग होती है, फिर काफ़ी टाइम लग जाता है तब आपका होगा, तो वो 1-2 दिन उन्होंने और डिले कर दिया। उसके बाद में हमें थोड़ी ज़्यादा चिंता हुई, हमने कहा यार काफ़ी टाइम लग रहा है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। फिर पापा भी एक बार गए, उसके बाद में करीब ऐसे मानिए आप 5-6 दिन हमें चक्कर वहाँ पर लगाने पड़े। उसके बाद में कैशियर से मिले, फिर उसके बाद में काफ़ी लंबी प्रोसेस करने के बाद में फाइनली कल 31 तारीख को जो है वो पैसे आ गए हैं। तो ये अच्छी बात है कि पैसे 31 तारीख को आए, आप जोड़ लीजिए 9 तारीख के बाद से आज 31 तारीख, 20 दिन के अप्रोक्स लगभग 20 से ज़्यादा ही दिन हो गए हैं तो पैसे आए। अब दो इम्पोर्टेंट आपको बात मैं ये बताने वाला था इसमें कि अगर आपकी स्लिप आ जाती है तो आपको कोई फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप अपना ये फोटोकॉपी और एप्लीकेशन लगाने के बाद आपको रुपए तो वापस आ जाएंगे, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन रुपए आपके आ जाएंगे। अब बात आती है अगर आपके पैसे मशीन में चले गए हैं और स्लिप बाहर नहीं आई है, अगर पैसे भी अंदर हैं और स्लिप भी नहीं निकली, फिर आपको क्या करना है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको मशीन छोड़ के नहीं हटना है वहाँ से, आपके पीछे चाहे कितनी भी लंबी लाइन लगी हो आप उनसे कह दीजिए कि वेट करें। ऐसा हो सकता है कि आप वहां से चले जाएं, आउट ऑफ सर्विस दिखा रही हो मशीन, आप जैसे ही वहां से जाते हैं मशीन दोबारा से कनेक्ट होती है नेटवर्क के साथ में और आपका जो अमाउंट होता है वो रिटर्न हो जाता है उसी मशीन में। तो मशीन में जैसे ही बाहर आता है हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे खड़ा हो और वो आपके पैसे को वहां से कनेक्ट कर ले। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब तक आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है, स्लिप नहीं मिलती है या फिर पैसे रिटर्न नहीं आते हैं, तब तक आपको मशीन छोड़कर नहीं जाना है। सो ये दो बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी कभी होता ही है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने के लिए, काम को जल्दी करने के लिए कभी कभी तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो जाता है ये, और कभी कभी हमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सो बस यही था, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हालांकि पैसे तो वापस आ गए अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सतर्क रहिए आप लोग भी और आगे अपने जो भी बैंक से रिलेटेड ऐसे काम है उन पर सतर्कता से जरूर करिए। मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया और मुझे जरूरी लगा आप लोगों को बताना कि शायद आप इन फ्यूचर में आपके साथ भी ऐसा हो, तो आप लोग सतर्क रहें। और अगर वीडियो में जानकारी दी हुई अगर अच्छी लगी तो प्लीज थम्स अप जरूर करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए
और अपने कोई ऐसे एक्सपीरियंस हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए क्रिक आकाश के साथ। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।